दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पीसन केयर में। गाइस अब जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही लाजवाब है। कलसरे फुलसरे नफ्ते खैरे पिलखे और पिलखे भी लाजवाब हैं भाई, और चीने नफ्ते मज़ा ही आ जाएगा आज आपको। मैं पहले ओवरऑल वैसी सारी बैठक दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। इसमें उमर बच्चे हैं चार पाँच, वो बिक्री के नहीं है भाई, वो किसी की अमानत आई हुई है तो बिक्री की नहीं है, तो उसके लिए फोर्स ना करें भाई को। ये देख लो ओवरऑल सब दिखा रहा हूँ आपको, और इनका आपको दिखाता हूँ बैठक बैठक इनकी परियां वरियां जो परंद उनके पर और जो नहीं है उनके पैर और आँखें, ठीक है। शौक कराता हूँ, अच्छे भाई अच्छे लेवल का शौक है ये भाई का, अच्छी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो ये शौक है और ये सेल आउट होना है, तो भाई एक एक करके शौक का। तो भैया शुरुआत करते हैं भाई से। भाई का आपका शुभ नाम? दीपक। दीपक भाई ये आपका शौक है जी? अब ये शौक हटा रहे हो कोई कारण मेन? तो भाई ये क्या है, थोड़ा काम वाम में बिजी रहते हैं, काम लग चुका है तो इसमें थोड़ा टाइम वैम नहीं है, तो इसलिए ने हटा रहे हैं। तो हाँ। भाई मेन बात जो है आप इनकी नस्लें देखोगे ना तो भाई साहब लाजवाब है, ये हटाए नहीं जाते हैं, बस टाइम नहीं है। कबूतर सारे चुनिंदे के कबूतर चुनकर डला हुआ है, बस ये थोड़ा काम धंधे की बात है, इसलिए छोड़ने तो मतलब ही नहीं है छोड़ने का, शौक ही ऐसी चीज़ है ना। तो भाई शौक जो सेल के कबूतर हैं वो आपको एक एक वन बाई वन करके दिखा देता हूँ, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो, ठीक है। एक एक करके दिखाओ भाई जो भी आपके सेल के। भाई देख लो भाई ये येल्लो डोरों में पिलखा दुवाज कबूतर है भाई साहब, लाजवाब चेहरे मोरे का कबूतर है, देखो जरा। और करीब लेके जाता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा, आप इसकी आँखों का शौक कर लो, ये भी सेल में। अब देखो भाई इसका शौक रखो, चेहरा मोरा बिल्कुल टेपर फेस में है, बड़े चेहरे मोरे में कबूतर, और ये इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है सामने से देख लो। एक मिनट ऐसे रखो, इन्हें गोलों में काबरा बोलते हैं, ये मद्रासी में हमारे पिलखे हो जाते हैं, बहुत ही लाजवाब कबूतर है भाई। किसी भाई को जोड़ों के लिए चाहिए तो बहुत मस्त कबूतर है। और इसके पंजे दिखाना भाई, और ये देख लो भाई इसके पंजे लाजवाब, पर भी है, इसके पर दिखाता हूँ आपको। और ये देखो भाई पर क्या लाजवाब पर है, बिल्कुल तलवार नुमा, बड़े अच्छी चौड़ाई है, ज़्यादा ना मोटी ना पतली। ये भी भाई सेल में, नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या लाजवाब कबूतर लेकर आए हैं भाई साहब, इसका सर्कल नोटिस करो आप, बिल्कुल ज़ीरो यार, येलो कलर का जो सर्कल है वो देख भाई क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है ऐसे रखो भाई, ये देखो सामने से कासनी कबूतर है, कासनी चीना बोलेंगे इसको, कासनी चीना, ये देख लो भाई क्या कबूतर है, चेहरा मोरा बिल्कुल डेंजरस फेस में यार, ड्रैगन कह लो आप इसके, बेड़ी वाला। और भाई ये पक्की रिंग का कबूतर है, बढ़िया कबूतर है भाई, कभी इसको बता रहे हैं आज से चार पाँच साल पहले, तीन साल पहले ये 2000 रुपये का पट्टा लिया था, तो आप सोच लो इस कबूतर की क्या वैल्यू रही होगी, ठीक है जी। ये कबूतर है और आप उसका शौक बस एक बार ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ ये इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है देख लो भाई। भाई कबूतर में क्वालिटी एक चीज़ देगी भाई, चेहरे देखो यार क्या ड्रैगन फेस है, मोटे नाकड़े का फुलसरा और बड़ी पलकों में भाई, और टमाटरी आँखें हैं, सिंदूरी नहीं है, पीली नहीं है, हल्की नहीं है, टमाटरी आँखें भाई साहब, मज़ा आ गया इसको देख के ना, क्या कबूतर, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, बिल्कुल शेर जैसा भाई, भाई वाह, बता रहा है कि हम है कुछ वजूद रखते हैं, बिल्कुल वी शेप में ये, इस वक्त पकड़े रखो भाई। ये इसके पर है भाई, कलपरा कलदुमा कबूतर है, फुलसरा कबूतर है, पंजे दिखा दो। और ये देखो भाई इसके पंजे, बहुत ही लाजवाब कबूतर है भाई पूरा, ये सामने से बॉडी स्ट्रक्चर इसका, हाथ हटाना भाई सामने, बहुत बढ़िया। तो अब भाई ये भी सेल में, जो भी दिखा रहा हूँ सेल में आप सेल की नज़र से देखें से, ठीक है जी। और मैं जिस भाई को शौक की नज़र से देखना है, शौक की नज़र से देखें, ये देखना भाई। ये गुलाबी डोरों में और टमाटरी आँखें हैं भाई, एक चीज़ नोटिस करना, हर कबूतर का चेहरा ड्रैगन फेस, मोटा चेहरा पतला नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल के कबूतर भाई ने रखे हुए, इससे पता चलता है। अच्छा भाई आप न्यूट्रल तो हो, तो भाई ये मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप न्यूट्रल तो भाई, ये कभी बच्चे और बच्चे उड़ाए इनके या नहीं भाई? बच्चे ये शाम को 4-4 बजे के बाद बैठते हैं भाई। बहुत बढ़िया, तो भाई लग भी रहा है ना चेहरा मोरा, ये सामने से बॉडी स्ट्रक्चर देखो, कल ये कलपरा कलदमा कबूतर है, पट्टे भी है भाई इसके अंदर। अच्छा ये देख लो भाई, ये पंजे दिखा दो भाई, तो भाई ये पंजों का शौक कर लो आप, लाजवाब पंजे, और भाई कबूतर भी बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट पे आते हैं, और ये भाई देख लो इस तरह के कबूतर, थोड़ा सा ऊपर कर लो भाई, ये देखो इस तरह के कबूतर ना आपके चेन्नई में मिलेंगे, मछलीपट्टनम में, तो वहाँ पर ऐसी ब्रीड पाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही है, लेकिन कलसरा कबूतर है और वही चेहरा मोरा है, तो बहुत ही प्यारे फेस का कबूतर है, और उड़ान तो भाई आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, क्या ही उड़ान होगी इनमें। इसके मैं पर दिखाता हूँ भाई, जैसे भी है परंद है, ये देखो क्या पर है यार, लाजवाब क्वालिटी पर होगी, पंजे दिखाना भाई।
और ये इसके पंजे देख लो भाई, और पंजों की क्वालिटी देखना भाई, काले ही पंजे हैं इसके और काले ही चोच मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या इससे अच्छा लेकर आ रहा है भाई पीछे से। और ये देख लो भाई टमाटरी आँखें यार, वही लंबा चौड़ा फेस, नर क्वालिटी है ये, और आँखें टमाटरी और भाई रिंगदार आँखें कह लो आप इन्हें। इन आँखों में भाई उड़ान बहुत अच्छे लेवल की होती है। पीली डोरों में कबूतर है, आप अगर इसको चॉइस करते हो तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल है भाई, ले सकते हो। भाई का नंबर मैं ज़रूर दूंगा, एक बार भाई फेस नंबर भाई से पूछ लेंगे ताकि किसी भाई को लिखने में या सुनने में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ये देख लो आप, इसके पर हैं तो पर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो पर बिल्कुल पर पतले से पर हैं, और आप इसके पंजों का शौक करो। और ये भी भाई पक्की रिंका कबूतर है, तो भाई मैं जानना चाहता हूँ ये घर की ब्रीड है भाई? ये असल में मेरे फ्रेंड के यहाँ से आया हुआ है और इसी के बच्चे मेरे जाल में उड़ते हुए। अच्छा चलो, बच्चों को शो कराऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट देखते हैं। और ये देखो भाई पीली डोरों में कबूतर आ रहा है अभी तक, जो भी मैंने कबूतरों का शौक कराया है। एक तो सबसे पहली बात कि ये चेहरे मोरों के बहुत अच्छे हैं और ब्लड लाइन इनकी बहुत अच्छी है। और भाई ये फुलसरा कबूतर है, सामने से देख लो आप, शील्डदार फुलसरा, एक कलपरा है और कलदुमा है। ये इसके पर है भाई, बहुत ही लाजवाब। ठीक है जी, आप ऐसे रखो, इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो भाई, क्या लाजवाब कबूतर है। ठीक है जी, ऐसे पता चलता है अच्छा कबूतरों का। पंजे दिखा भाई, सनलाइट की कमी की वजह से ना इसके पंजों का जो रियल कलर है यानी कि बिल्कुल जामनी, अभी दिखाते हैं आपको, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसके इस ब्लड से कि क्या जामनी पंजे हैं यार। इनमें उड़ान नहीं होगी तो भाई किस में होगी। कुछ लोग पंजों से हिसाब लगा लेते हैं, कुछ लोग चेहरे से हिसाब लगा लेते हैं, कुछ लोग परों से हिसाब लगा लेते हैं, अपने मन का माल निकाल ही लेते हैं वीडियो से। तो भाई ये शौक आपके लिए है, आप सेल में समझें या शौक में समझें, ये आपके लिए। तो नेक्स्ट पे आते हैं भाई, फेवरेट कबूतर, अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे अपनी अपने तौर पे बहुत पसंद आया भाई, येल्लो डोरे हैं, नारंगी सी इसकी आँखें, चेहरा बहुत ही प्यारा है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। ये फुलसरा कबूतर है, आप इसे ललसरा भी कह सकते हो, अगर नहीं फुलसरा ही है। ठीक है जी, पसंद अपनी अपनी, बहुत ही प्यारा कबूतर है। सामने से देख लो, इसके पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इसके पंजे दिखाता हूँ, और ये इसके पंजे, ये भी जामनी पंजे हैं भाई, लाजवाब पंजे, मज़ा आ गया देख के। अब आते हैं नेक्स्ट पे भाई, ये देख लो टमाटर आँखें, सिंदूरी आँखें, और बहुत ही प्यारा टोपीदार कलसरा कबूतर कह लो, फुलसरा कह लो, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है भाई। ये आपकी पसंद में आता है तो आप इसे जोड़ों के लिए ले सकते हो। अभी तक मैं आपको नर ही दिखा रहा हूँ, आगे आने वाले थोड़े समय बाद आपको नादिनों का शौक मिलेगा। ये देखो क्या आँख है, लाजवाब, गुड क्वालिटी पर है, हाँ पर है, क्या क्वालिटी है पर होती यार। ये उड़ा हुआ है? हाँ जी भाई। ठीक है, पंजे दिखा दो भाई। तो भाई ये पीछे से बात चल रही थी, उड़ा हुआ है या नहीं उड़ा हुआ है, इस पर कलर भी लगा रखा है उन्होंने, उड़ा रखा है भाई। दिल खुश कर दिया इस कबूतर को देख के ना, दिल खुश हो गया, लेवल बढ़ गया इसका हमारे हाथ में आके भाई। ये देख लो येल्लो कलर की डोर है, कोई हल्की आँख नहीं, सारी टमाटरी या सिंदूरी कह लो आप। ये देखो क्या कबूतर है यार, दिल खुश हो गया। और भाई सबसे बड़ी बात, कलर का बहुत खूबसूरत है, लाल जीरा कह लो, ललपरा कलपरा कह लो, आप जो मर्जी कह लो, सही है लाल कलपरा ही कह लो। और सबसे बड़ी बात है लाल गंडों में कबूतर है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर ठीक ठाक लगते हैं, देखने में सुंदर भी लगते हैं, छत पे घूमते हुए अच्छी भी लगती है। ये बहुत ही प्यारा कलर है, लाल छींटे ले रहा है, आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर सामने से देख सकते हो। ये देखो भाई, तो आप इसके पंजे दिखा दो भाई, और ये इसके पंजे हैं। तो शौक में बताना भाई आपको ये कैसे लगे, बहुत ही लाजवाब लेवल पे हैं ये। और मैं भाई फिर बताना चाहूँगा, भाई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, येल्लो डोरों में दूसरा नर आ गया। और भाई ये भाई किसी भाई किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो बिलोंग करना ना करना अच्छे पहचान की मोहताज नहीं होती है भाई। हर बंदा अपनी छत पर अच्छा कबूतर रखना चाहता है, चाहे वो किसी का शागिर्द हो या ना हो। तो भाई ये अभी जो नर इससे पहले आपने देखा था, ये उसका बच्चा, उसी का बच्चा। और भाई पीली डोरे हैं, टमाटरी आँखें हैं, और ड्रैगन फेस है, पर है इसके। ये भी कलपरा कबूतर है, ये देख लो भाई, ये उड़ते हुए हैं, पांच पांच पर काले हैं इसके, पंजे दिखाना, और ये इसके पंजे। तो भाई बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप शौक देख लें, ये कबूतर जिस भाई को चाहिए वो ले सकता है। ठीक है भाई, और ये सेल की ही वीडियो है। और भाई ये देखो आप कलपोटिया कबूतर, गुलाबी डोरे हैं यार, क्या ही कबूतर है, मज़ा आ गया इसको देख के ना। आप अपने शौक में आ रहा हो तो भाई ज़रूर इन्फॉर्म करना भाई को, और ये पेयर आप तक पहुंच जाएगा। सॉरी ये नर पेयर तो जब बनेगा, जब मैं मादिने दिखाना चालू करूँगा आपको। तो ये हो गया आँखों का शौक, अब कराता हूँ पंजों का शौक। जी देख लो भाई, ये कलपोटिया कबूतरों में आता है, ये इसके पंजे हैं, हाँ।
और ये इसके तुम, और ये देख लो भाई एक लंबे फेस कट में संतरी सी आगे और भाई सफ़ेद डोरे हैं इसकी। और ये बहुत ही खूबसूरत कबूतर मान लो आप, बहुत ही अच्छा उड़ने वाला मान लो इसे, बहुत ही प्यारा। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है भाई। ये कबूतर सबको पसंद आने वाला है, कारण है कि ये एक तो काली डोरों में, काले चोच, काले पंजे, और सबसे बड़ी बात है सामने से देखो भाई टटेरा है। टटेरे कबूतरों की आजकल बहुत डिमांड है, बहुत फेमस होते हैं टटेरे, उड़ते भी अच्छे हैं और इनकी परियां भी जल्दी ख़राब नहीं होती। एक बार एक दुम दिखाना भाई इसकी, और नीचे तक इसकी लंगोट सफ़ेद है भाई, तो प्योर टटेरा है। और ये इसके पंजे और काली डोरों में है भाई, अभी तक मैंने गुलाबी दिखाई, पीली दिखाई, अब काली डोरों में टटेरा कबूतर है। ये देख लो पूरा, और ये देख लो भाई एक और फुलसरा टाइप का कबूतर आ गया आपके आँखों के आगे। और भाई बताना ये आपके लिए, आपकी पसंद में आ रहा हो तो ज़रूर इन्फॉर्म करना, और भाई ले सकते हो आप इस नर को भी। ये सामने से फेस कट देख लो इसका, ये इसकी परियाँ हैं कुरिच, वो तो यार बारिश का मौसम है, सभी समझते हैं इस बात को। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर, पंजे दिखा दो, और ये भाई इसके पंजे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत है यार। लाज भाई इसे नहीं देखा तो आप समझो कुछ नहीं देखा, खरगोशी आँखें हैं बिल्कुल लाल सुरख आँखें हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लो बस, क्या क्वालिटी यार, आँखों में मज़ा आ गया। तो भाई ये फुलसरा कबूतर है, खरगोशी आँखों में, टेपर सा छोटा सा चेहरा है लेकिन ज़बरदस्त है। ये इसके पर हैं, तिल्ली झड़ गई है बेचारी, कोई नहीं फिर पाक शाक होगा, पंजे देखते इसके। और ये इसके पंजे, लाजवाब क्वालिटी है भाई पंजों की, मज़ा आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इससे बेहतर होने वाला है। और भाई मैं अभी तक बताना भूल गया, ये की ब्लड लाइन है, ये की मतलब इनके पिता माँ बाप जो हैं वो फोर सेल में नहीं होंगे, वो आप देख सकते हो, बस शौक कर सकते हो उनका। ये फुलसरा कबूतर है, आंखें वही हैं, सब कुछ वही है, सामने से बॉडी स्ट्रक्चर है, ये देख लो आप इसके पंजे दिखा दो, तो ये इसके पंजे। तो भाई शौक कर, बस 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 शौक करके आप बताना, ये आपके काम का है तो ज़रूर फ़ोन करना और ज़रूर मंगाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे हो भाई लाल कबूतर, क्या है आँखें इनकी ना अलग ही होती हैं भाई। ये देख लो पीली डोरे हैं और लाल कबूतर है, और मोमी चोच होगी, और ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब। और हमारे भाई भाई साथ में जो आपको ये शौक करा रहे, आप लॉफ्ट के मालिक हैं, पंजे दिखा, और पंजे भाई से रूबरू होते थोड़ा भाई को फ्रेम में लेते हैं। भाई मेरे ख्याल से इंस्पायर हुए हैं KGF के बाद, दाढ़ी वाड़ी बना ली भाई ने। चलो भाई आप ये बताओ, मतलब कब से आपका शौक चल रहा है, कितना टाइम हो गया शौक करते हुए? भाई कम से कम तो देखो बचपन से ही है उधरों का, पर ये है थोड़ा घर के वजह से अपना भाई घर बार भी देखना पड़ता, तो शौक तो अभी 10-12 साल से ही कर रहा हूँ। अब तो बस काम हो गया फिट फॉर, तो इस वजह से हटाना पड़ रहा है, तो अब और जो और रह गए फटाफट उनको देखते हैं। आपको फ्रेम में लेने का कारण ये था कि भाई जिसके कबूतर हैं उसे तो लोग देखें। ये भाई हमारा चाहने वाला कोई अपकमिंग वीडियो, हाँ ये हमारा कोई। और भाई ये स्टार्ट हो गई मादी ने, अरे वाह, आप यकीन करना भाई दिल खुश हो जाएगा इसे देख के, लाजवाब यार, बहुत ही खूबसूरत मादी ने, जिस किसी भाई को चाहिए अवेलेबल हो जाएगी। और कोशिश करें भाई जिस भाई को सारे समझ में आए तो इकट्ठे ले लेना। हाँ जी भाई, और मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता दे देंगे आपको। ठीक है, तो दिखाता हूँ इसके पंजे लेगा जैसा आपका दिल करे। और ये देख लो भाई इसके पंजे, बहुत ही लाजवाब कबूतरी है भाई, आपने डोरे देख ही लिए, आते हैं नेक्स्ट पे। ये देख लो भाई कलपोटन, लंबे चेहरे मोरे के कबूतर हैं भाई, उड़ान भी बेशुमार है। अभी एक पट्टा निकल गया यहाँ से कलसरा, और भाई वो कैच था, पर साफ करने के बाद वो भाई आसमान नापरा कर इधर आता है, तो जरूर दिखाऊंगा आपको फ्रेम में निकाल के। और ये कलपोटन मादी ने एक नर देखा होगा आपने इधर, कलपोटिया सा शायद उसके जोड़े में है। ठीक है, ये देख लो भाई लंबे चेहरे मोरे में, अच्छे फेस कट की मादी ने, ड्रैगन फेस कह लो आप इसके पंजे दिखाओ। ये देख लो भाई बिल्कुल पतले से पंजे हैं, बिल्कुल पतले से। आते हैं नेक्स्ट मादी पे, वही वाह वही वाह वाह, क्या पलके हैं यार, और आँखें भी लाजवाब है, मज़ा आ गया यार। चेहरा मोरा देख लो भाई, इस मादिन का बच्चा मैं आखिरी में रील्स में दिखाऊंगा आप, और वो भाई वो अपने घर रखना चाहते हैं तो वो सेल में नहीं होगा, लेकिन इसने जो बच्चा बनाया ना बिल्कुल प्योर क्वालिटी जो आई है वो कलकत्ता ही आई है, मज़ा आ गया। तो ये मादिन भी सेल में है, और आप इससे अनुमान लगा सकते हो, देखो इसका फेस कट, सामने से बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वी शेप में। अब आते हैं इसके पंजों पे, ये इसके पंजे, मज़ा आ जाएगा आज भाई आपको देख के इन शौक को, और इस सेल के बहुत ही अच्छे लेवल पे कबूतर रखे हैं भाई ने।
ये देख लो गुलाबी डोरों में आ गया भाई, फुलसरा बच्चा, इसी का भाई निकल गया है और वो भरी हुई गर्दन का था, जो माल था वो चला गया। हम उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएगा, ठीक है जी। ये देख लो इसकी मादी नहीं है नर है, नहीं मादिन पट्ट बनेगा भाई, मादिन पट्ट है। चलो कोई नहीं है, तो जिसके शौक में आ रहा होगा जरूर लेगा भाई, वो लंबे चेहरे की है। अभी इसके माँ बाप को भी शौक कराएंगे आपको, हाँ एंड में कर जाएंगे। पंजे दिखाते हो भाई, और ये देख लो भाई बड़े लंबे चौड़े पंजे, इसके पंजों से भी ना क्वालिटी का पता चलता है। तो ये भी सेल में है, और जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब सेल में है। आपने एक नर देखा होगा, सबसे पहले कासनी, कासनी चीना, उसका बच्चा ये, पलके बहुत प्यारी हो रही है, आँखें बहुत अच्छी हैं, चेहरा भी बहुत अच्छा है, और इसके सबसे बड़ी बात है सारे पर कासनी है, ये देखो, ठीक है जी। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका पंजे, और ये भाई मादिन पट बनेगी, बहुत ही प्यारी है, ये देख लो सामने से, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये देख लो काली डोरों में जंगली जैसी आँखें और लंबा फेस कट, बोलते थे हम, बोलते हैं डाउन फेस, या यूँ कह लो ड्रैगन फेस, लंबे चेहरे मोरे के बच्चे बनाएगी, ये मादिन है हरी, ये और बहुत ही छोटा वी शेप इसका, ये देखो बहुत ही छोटा, मतलब लाजवाब कबूतर रखे हैं भाई ने, आदेश नाम है भाई का। हाँ जी भाई, ये देखो यार क्या क्वालिटी है नाकों में, चेहरे पे आप गौर करो भाई। इसको दिखाने का टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई लाजवाब कबूतरी है, मतलब शौक में है, अपने भी शौक में है, मतलब समझ में आ रही है कि हाँ भाई कोई चीज़ है। पंजे देखते हो, ये इसके पंजे, तो भाई अपर लेवल का शौक है भाई का, और बहुत ही अच्छे न्यूट्रल होने के बाद ही एक अच्छी पहचान होना बहुत बड़ी बात होती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अब आप शौक करो इसकी आँखों का, इसकी पलकों का, और ये हर चीज़ की अच्छी, आँखों की अच्छी, पलकों की अच्छी, चेहरे की अच्छी है, सबसे बड़ी बात कलर की भी अच्छी है। ये देखो भाई क्या कलर है, 200 अधिक आ ली है इसकी, 200, और ये एक पाक करके आ रही है, 9वीं आ गई है, अब 10वीं रह गई है, तो ये 9 कली की पट हो गई है, देख लो भाई, ठीक है जी। बहुत ही प्यारी मादिन है, ये भी सेल में आ रहा है, और ये इसके पंजे भाई। तो आते हैं नेक्स्ट पे, और ये देख लो भाई एक और फुलसरी मादिन है, अभी कुरेश में चल रही है, तो जो इसकी क्वालिटी नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन भाई आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो इसकी आँखों को देखकर, इसकी पलकों को देखकर, गुलाबी डोरे हैं, ठीक है जी। कुरेश में है, बरसात का टाइम है, ये देख लो फुलसरी मादिन है। अरे यार ये देख लो भाई इसके पंजे भाई, और ये देखो भाई क्या कबूतरी निकाल के लाए भाई, चीनी नफ्ती टटीरी हो सकती है, टटीरी क्या देख लेते हैं वो तो। और आप ऊपर से कलर देखो, लाल गंडों में मादिन है, ये देखो नीचे से शौक करना शुरू करो भाई, सफ़ेद 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 और लंगोट तक सफ़ेद, और लाल गंडों में टटीरी मादिन देखने का शौक कर रहे, एक बार सामने से इसका। और ये देख लो भाई ये टटीरी मादिन है लाल गंडों में, ऐसे देख लो इसको वी शेप में, और ये देख लो भाई क्या मादिन है यार। चलो नेक्स्ट देख, और ये देख लो भाई गादली सी आँखें हैं, अभी आँखें खुली नहीं है, काली चीनी कबूतरी देखने को मिल रही है आपको, ये देख लो, काली खैरी कह सकते हो, चीनी कह सकते हो, बहुत ही पतला सा चेहरा और बहुत ही प्यारी कबूतरी है सामने से, ठीक है जी। पंजे देख, और ये पंजे है भाई, वाह, तो नाखून बिल्कुल काले, चेहरा काला, और भाई चोंच काली, पर काले, पूंछ काली, और चीनी कबूतरी है, दिखाना सामने, ये देख लो भाई सामने से बॉडी स्ट्रक्चर। आते हैं नेक्स्ट, और भाई ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, क्या बात है, बहुत ही प्यारी फुलसरी कबूतरी है यार, लाजवाब। अब चेहरा देख लो यार क्या क्वालिटी वाला है, पक्का रिंग भाई पैर में, ये देखो पक्के रिंकी और फुलसरी टोपीदार मादिन कह सकते हैं इसके पर, और ये देखो भाई पक्के रिंग में मादिन है। नेक्स्ट आते हैं भाई, ये देख लो फुलसरी मादिन, और उड़ान के मामले में ना एक नंबर की पीसेस है यार, इसी के बच्चा भी निकल गया कलचरा सा। ये बार देख लो काली चोंच में, बहुत ही प्यारे चेहरे मोरे की, काली डोरे हैं या पीली डोरे हैं, पीली होनी चाहिए, चलो आप अंदाज़ा लगा लेना। पंजे दिखाता हूँ उसके, और ये इसके पंजे देख लो भाई क्या बात है, और ये देख लो भाई छोटा सा चेहरा, आप तोता टाइप समझ सकते हो उसे, काली डोरों में संतरी आँखें हैं, नारंगी सी, लाजवाब कलसरी छापदार मादिन है, ये छापदार नहीं कहेंगे, चीनी कह लो आप, ये देखो ठीक है नफ्ते कह लो से आप, बहुत ही लाजवाब। आप पंजे दिखाता हूँ, और ये इसके पंजे, अरे वाह। तो भाई इसी के साथ यहाँ पर ये सेल परचेज़ का काम ख़त्म करते हुए आपको उस भाई से मिलाता हूँ जो मेन ऑनर है यार, जो मतलब मेन मालिक है भाई। इसमें कुछ तो सेल के हैं क्योंकि टाइम और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो कुछ सेल के हैं कुछ नहीं हैं, तो भाई आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो पूछ के, ये भाई का मादिनों का, और उधर वो नरों का लॉफ्ट है, ठीक है जी।
तो चलते हैं भाई के पास और बात करते हैं थोड़ी सी। और भाई ये वो नरों का सेटअप आ गया है, आपने ये देखा ही पिलखा भाई साहब, क्या जबरदस्त चेहरे मोरे का कबूतर है। तो यहाँ से भी भाई कुछ एक कबूतर हो सकते हैं, जैसे पंजाबी देसी हैं, ये रुकेंगे ठीक है जी। और ये इसमें हुमर के तो दो चार बच्चे हैं, बिक्री के नहीं है, किसी के आए हुए हैं तो छोड़ रखे हैं उन्होंने, और बाद में चले जाएंगे ठीक है जी। तो मिलते हैं भाई से। तो भाई ये थे हमारे मेन ऑनर जो इस बात पे, और ये भाई छत की आन बान शान के अटेकर ये भाई शौक को इन दोनों ने मिलके बनाया हुआ है। और भाई जिस भाई को कबूतर अच्छे लगे, पसंद आए, चाहिए हो तो आप एक एक करके दोनों नंबर बता दो कि जो जिसको भी कॉन्टेक्ट कर ले। नंबर बताओ जिस पे आप 9899979700 ये भाई नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको जो कबूतर अच्छा लगता है। और भाई छांट छूट के लोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है रेट, अगर किसी भाई को सारे समझ में आता है और वो शौक करना चाहता है इन कबूतरों को लेके तो, और कोई भाई सारे लेना है सारे लेता तो आप यकीन मानो ऐसे रेट हैं इन कबूतरों के। वैसे अगर मैं अपनी नज़रिए में बताऊं तो 1000-1200 के समथिंग एक एक कबूतर होना चाहिए, 800-500-700 जैसे भी अगर इकट्ठे लेते हो तो। भाई ने मुझे रेट बहुत अच्छा बताया, वो उस भाई से शेयर कर लेगा जिसको सारे चाहिए होंगे। तो भाई इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लूँगा, जय हिंद जय भारत कहूँगा। और भाई मित्रों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और भाई दो शब्द हमारी टीम के लिए, तो भाई दो शब्द हमारी टीम के लिए, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शौक जब करो जब आपके पास टाइम हो और एक आपकी जेब जो आपको प्रॉपर तरीके से अलाउ करती हो ठीक है। भाई ये हमारे आदेश भाई थे, और भाई आपका नाम तो दीपक, तो दीपक भाई का आपने शौक देखा, बहुत देर बाद मैंने नाम पूछा, इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। तो ये सेटअप जो पूरा है, ये एड्रेस बताओ, तो एड्रेस पूछ रहा था भाई, एक बार एड्रेस बता दीजिए। गोंडा चौक गांवी रोड स्टेट बैंक वाली गली के सामने, जो पुराना कभी स्टेट बैंक हुआ करता था वो उस गली में आके आप वहाँ पर आके फोन कर लेंगे आप ठीक है। और भाई जिस भाई को लोकेशन चाहिए तो लोकेशन भी परफेक्ट है, आप उनके नंबर पे व्हाट्सअप करके लोकेशन ले सकते हो। तो भाई जय हिंद जय भारत, फिर मिलूंगा किसी नए लॉफ्ट में किसी अच्छे खिलाड़ी के पास, अच्छे शौक के साथ बने रहें। और भाई जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस यही चाहिए आप लोगों से, और क्या चाहिए ठीक है जी। जय हिंद जय भारत।